सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं निकल पर हूँ अपने कोचिंग जाने के लिए। सो आप लोग देखिए आगे क्या होता है। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 6:10 और मैं यहाँ पे अपने इंतज़ार करूँगा एक दोस्त का, जो कुछ ही देर में हमारे पास आएगा और यहाँ से फिर हम दोनों जाएंगे साथ में ट्यूशन। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं और अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। और गाइस, ऐसा लग रहा है कि हमारे दोस्त जी यहाँ पे पधार रहे हैं और इनको सीधी साइकिल तो चलानी आती नहीं है। और ठंड का प्रकोप हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इन्होंने अपना प्रकोप बनाए रखा है। जैसा कि शुरुआती दौर में आप लोगों ने देखा कि इन्होंने जिगजैग वाला साइकिल स्टंट किया, नागिन डांस कराया अपने साइकिल को। तो गाइस, जहाँ तक हमें उम्मीद है, आप की नज़रें इतनी तो तेज़ हैं कि वो देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना कोहरा गिरा है, कितने कितना फॉग है हमारे यहाँ। देख और गाइस, हमारा ट्यूशन हमारे घर से 5 किलोमीटर है और इन भाई साहब के घर से भी लगभग 5 किलोमीटर है। हमारे जाने में 5 किलोमीटर और आने में भी 5 किलोमीटर, टोटली मिला के हमारा होता है 20 किलोमीटर। अब आप ये पूछेंगे कि 20 किलोमीटर कैसे हुआ, होना चाहिए 10। सो गाइस, बात ऐसी है ना कि साइकिल दो है हमारी, आप लोग देख पा रहे होंगे, साइकिल दो है हमारी तो हुई ना 20 किलोमीटर। गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, देखिए देखिए देखिए। हेलो 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 हेलो। गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सफर और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं से। हम और लोग अभी आ रहे हैं हमें तो ये, ऐसा नहीं लगता है गाइस, ये झूठ भी बोलते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं गाइस, आज सच बोल रहे हैं। ये बहुत दिन से बहुत लेट से आ रहे हैं लोग ये। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं एनएच पे, तो हमें संभल के चलना होगा वरना कोई गाड़ी आएगी और हमें मार के चली जाएगी और इस फॉग में किसी को पता भी नहीं चलेगा। चुकी है, हमें साइकिल चलाते चलाते हम लोग लगभग 4 किलोमीटर आ गए हैं और अभी भी हमें 1 किलोमीटर दूर जाना है और कहरा कोहर का सॉरी कोहरा का कहर जारी है। गाइस, ट्यूशन खत्म होने के बाद हम आ चुके हैं अपने दोस्त के साथ बाहर कहीं और घूमने। मेरे दोस्त ने बोला कि इसको पिज़्ज़ा लेना है आज, सो देखते हैं हमें पिज़्ज़ा मिल पाता है या नहीं इतने सुबह। सो गाइस, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने पिज़्ज़ा की दुकान पे, सो देखते हैं हमें पिज़्ज़ा मिल पाता है या नहीं। इस लड़के को तो कि ये बोल रहा है हमसे कि हमारा फ़ोटो खींच दो। अब बताइए, मैं यहाँ पे आया हूँ ब्लॉग बनाने और ये बोल रहा है कि मैं इसका फोटो खींचू। गाइज, इतना टाइम कहाँ है मुझे? बार बार बोल रहे हैं कि हमारा फोटो खींचो फोटो खींचो, ये मान ही नहीं रहे। गाइज, दुख की बात है कि हम लोग इतने दूर आए और हमें पिज़्ज़ा नहीं मिल पाया, बिकॉज पिज़्ज़ा की दुकान खुली तो थी बट उनमें बनाने वाले जो थे वो अभी आए नहीं थे। वो इतनी ठंडी में आएंगे क्या करने? गाइस, हम आपको मिलवाते हैं हमारे एक कॉलेज से जिसमें हम डेली क्लास करने नहीं आते हैं। गाइस, यहाँ से ये मेरा दोस्त चला जाएगा अपने घर उधर के रास्ते होते और ये मेरे साथ चलेगा। सो चलते हैं दोस्त, बाय। सो हे एवरीवन, अभी दिन के बजे हैं 9 और अभी तक हमारे यहाँ धूप नहीं निकला है। हम ट्यूशन से आ भी चुके हैं, रास्ते में हैं। गाइस, वक्त हो चुका है अब घर जाने को और इतना कोहरा है हमारे यहाँ कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हमें घर जाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि आई कांट एक्सप्लेन यू, वी कांट एक्सप्लेन। मेरा दोस्त यहाँ से आगे एक रास्ता कटा है, वहाँ से ये अपने घर के लिए चला जाएगा और मैं सीधे
इस रास्ते से जाऊंगा। सो बाय दोस्त, बाय कर दो, बाय बाय। तो गाइस अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से मैं चलता हूँ अपने घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।